वो था एक नदी का किनारा। वहाँ पर तरह तरह के पक्षियाँ साथ में रहा करते थे। वहीं एक कौवा रहा करती थी, उसका नाम मैना था। वहीं पर कुछ और प्रकार की गौरैया भी रहती थी। उनमें सोनी और सिरी की बहुत गहरी दोस्ती थी। उन्हीं के साथ कौवा भी रहा करती थी। एक दिन सोनी और सिरी उनकी दोस्त कौवा से कहती है, मैना, हम सैर पर जाने की सोच रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलेगी? नहीं दोस्तों, मुझे नहीं चलना। तुम दोनों वापस लौट जाओगे ना, अभी मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। मैना, यहाँ कुछ खास आहार नहीं मिल रहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? ये कहना तुम्हारे लिए जितना आसान है मेरे लिए नहीं। तीन बच्चों को साथ में लिए चलना बहुत मुश्किल है, बुरा मत मानना और तुम दोनों चले जाना। उन दोनों ने खेद जताया और वहाँ से चले गए। कौवा बिना आहार के दिक्कतों का सामना कर रही थी। भूख से तिलमिला रहे उसके बच्चों ने पूछा, माँ, तुम हमें भरपेट खाना क्यों नहीं दे रही? एक दिन भरपेट खाना मिल जाए तो अगले दिन भूखा रहना पड़ता है, ऐसा क्यों है माँ? यूं मुंह लटकाकर बच्चों ने माँ से पूछा। बच्चों को इतना उदास देखकर माँ भी बहुत उदास हुई। माँ ने हिम्मत जुटाकर बच्चों से सारी बात कह दी। मेरी सहेलियां सिरी और सोनी पहले से ही पड़ोस गांव चली गई है। उनको पहले से ही आभास हो गया था कि यहाँ पर आहार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर मैं तुम तीनों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। पर यहाँ पर आहार मिलना बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ये कहकर माँ उड़ती हुई चली गई। सोच रहे थे, कौवा बहुत दूर दूर तक उड़ती हुई आहार की तलाश करने लगी, पर उसे कहीं भी आहार नहीं मिला। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठी तो उसे पानी में एक टांग पर खड़ा एक सारस दिखाई दिया। कौवे ने उसे इस तरह देखकर कहा, यूं पानी में एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या क्यों कर रहा है? कौवा ये सोच ही रही थी कि सारस ने झटके में मछली पकड़ी और उसे निगल गया। क्या जो मैं देख रही हूँ वो सही है? मछली का शिकार करने के लिए चोर तपस्या कर रहा है। इसी तरह सारस ने दो तीन मछलियां गटक ली और पेट भरने के बाद उड़कर पेड़ पर आ गया। दोस्त, मछली पकड़ने का तरीका तुम्हारा बहुत बढ़िया है। क्या करे दोस्त, पेट भरने के लिए इतने पापड़ तो बेल नहीं पड़ते हैं, यही सृष्टि का नियम है। यूं वे दोनों बात करने लगे। सारस ने अपना नाम माया बताया तो कौवे ने मैना नाम से खुद का परिचय कराया। दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। मैना ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताई। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई, आज मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये कहकर वो उड़ती हुई पानी में गई और मछली पकड़कर कौवे को देने आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। यूं माया का आभार मानने लगी। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, बेझिझक पूछ लेना। कौवे ने हामी भरी और वहां से मछलियां लेकर अपने घोंसले पर पहुंची। अपने बच्चों को उसने मछलियां खाने के लिए दी। बच्चों ने पेट भर तृप्त होकर खाया। कौवा फिर से सारस के पास सहायता मांगने गई। सारस हर बार उसकी मछलियां देकर सहायता करती। दोस्त, तुम हर दिन मेरी सहायता कर रही हो, भले ही सहायता करना तुम्हें अच्छा लग रहा हो, पर हर दिन तुम्हारी मदद लेना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हर दिन तुम पर निर्भर रहूं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे मछलियां पकड़ना सिखाओगी? मछलियाँ पकड़ना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मुझे प्रयास करने दो। वैसे भी बड़े कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, इसलिए मैं भी मेहनत कर कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मुझसे नहीं बन पड़ा तो तुम मेरी सहायता करती रहना। ठीक है, तो चलो मेरे साथ तालाब में चलते हैं। दोस्त, मेरी तरह शीला बनकर खड़ी रहो, हिलना मत। जब मछली अपने पास आएगी तो उसे झपट लेना। ध्यान रखना, अगर मछली अपने से छूट गई तो वो बाकी मछलियों को आगाह कर देगी, फिर एक भी मछली अपने पास नहीं आएगी। फिर तो हमें आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा।
कवे ने सारस की बात समझ ली। फिर वे दोनों एक टांग पर बहुत देर तक खड़े रहे। कुछ समय बाद कवे के पास एक मछली आई। कवे ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो फिसल गई। फिर कुछ समय बाद एक और मछली आई पर इस बार भी वही हुआ। उसके बाद उनके पास कोई मछली नहीं आई। मैंने कहा था ना दोस्त, अब अपने पास एक भी मछली नहीं आएगी, अब हमें भूखा रहना होगा। मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरी वजह से आज तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो। कौवे को बहुत बुरा लग रहा था। ये देख सारस ने उसे कहा कि कोई बात नहीं। कौवा मछलियाँ नहीं पकड़ पा रही थी, इसलिए वो दुखी थी। तुम मछली नहीं पकड़ पा रही हो ना, तो हमेशा की तरह मैं ही तुम्हारी मदद किया करूँगी। ये कहकर सारस तालाब में चली गई और कौवा पेड़ पर बैठे देख रही थी। कुछ समय तक पानी में खड़े रहने के बाद एक मछली सारस के पास आई, पर सारस ये सोचकर कि कहीं वो भाग न जाए उसे पकड़ नहीं रही थी। ये पेड़ पर बैठी कौवा देख रही थी। उसने कहा, ये आज माया को क्या हो गया, अपने सामने घूम रहे मछली को ये क्यों नहीं पकड़ रही। ये सोचकर कौवा तेजी से उड़ती हुई तालाब के पास आई और झट से मछली पकड़कर उड़ गई। सारस ये देखकर चौंक गई। कौवा अपनी पकड़ी हुई मछली को पैर के पास रखकर टहनी पर खड़ी रही। अरे दोस्त, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं मछली पकड़ पाऊंगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहीं रहकर मछलियाँ पकड़ सकती हो। उन दोनों ने मछलियाँ आपस में बांट ली। कौवा मछली लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची।